जो आज है वो कल नहीं। इस बदलते हुए दौर की मार खाता है आम आदमी, जो अपनी रोज की रोजी रोटी कच्चा काम करके कमाता है। लोग डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में इतना खो गए हैं कि रियलिटी उन्हें राज नहीं आती। पर रुकें, जरा सोचें, यदि आप अपनों का ही साथ नहीं देंगे तो वो इस परिवर्तन वाले दौर में कहीं खोकर रह जाएंगे और शायद हमें कभी देखने को भी ना मिले। राम सिंह चार्ली एक ऐसे ही आम आदमी की कहानी है जो सर्कस में काम करता है। पर बोलते हैं ना, वक्त की मार हर किसी को पड़ती है, उसे भी अपनी वक्त की मार पड़ती है और सर्कस बंद हो जाता है। अब चार्ली अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर वो काम करता है जिससे चार पैसे कमा सके। पर बोलते हैं ना, सपने आपको सोने नहीं देते। आपकी मोटिवेशन आपके अंदर के कलाकार को हमेशा जिंदा रखती है। आप एक कलाकार हैं तो डिब्बे में बंद नहीं रह सकते, आपको खुल के सामने आना ही पड़ेगा। हमें चार्ली की ऐसी जिंदगी से रूबरू कराती है जो शायद हमें कभी स्टेज पर देखने को ना मिले। पर हाँ, आप सबकी आंख में आंसू जरूर आ जाएंगे। यदि मैं बात करूं एक्टर की परफॉर्मेंस की, तो देखिए, एक्टर के तौर पर कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर उम्दा है। जब वो चार्ली का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो एक आम आदमी की शक्ल उन पे झलकती है कि भाई वो सर्कस में काम करते हैं, उन्हें सब कुछ किया है। पर जब वो काम करते, कहीं नौकरी करते हैं, तो उनका वो फेस, उनकी वाइफ का कैरेक्टर निभाया है दिव्या दत्ता ने, जो उनको समय समय पर मोटिवेट करती रहती है कि नहीं भाई, ये तुम कर सकते हो, तुम इन सब कामों के लिए नहीं बने हो, तुम सर्कस के लिए बने हो, तुम खुद की सर्कस खोलो। और सब कुछ झोलझाल करते हुए, सब कुछ कहानी का मतलब जिस तरीके से दिखाई जाती है ना, एक आम आदमी का स्ट्रगल कि वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए कैसा मोहताज हो जाता है। जब बोलते ना हम कहीं के राजा हैं और मतलब हमें एकदम से भिखारी बना दिया जाता है, तो वो हमें चीजें दिखाई गई है। आखिर क्या होता है, वक्त की मार क्या होती है, हमें इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, और जो शायद ट्रेडिशनल है हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और एक हद तक ना बोलते हैं यार, आप इंसान हैं तो इंसानियत दिखानी चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्क्रीन प्ले की, तो देखिए कुमुद मिश्रा हमें बिल्कुल सेंटर में रखे गए हैं, जो चार्ली का कैरेक्टर है कि उसी के अर्थ पूरी कहानी लिखी गई है कि वो कैसे अपने सर्कस से निकाला जाता है, कैसे सर्कस बंद होती है, फिर कैसे एक नई सर्कस की शुरुआत करता है वो। उसकी बीबी का कैरेक्टर बहुत ही उम्दा है, जो दिव्या दत्ता ने प्ले किया है, जो बार बार पे उसे मोटिवेट करते कि नहीं भाई, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, और तुम इसी के लिए बने हो, तुम्हारा जन्म ही सर्कस के लिए हुआ है। बाकी मैं बात करूं कटिंग की, तो हाँ भाई, थोड़े कट किए जा सकते थे सीन्स, क्योंकि कई जगह पे लेंथी होते हैं सीन्स, और वो ना लगता है कि भाई इसको फालतू में खींच रहे हैं। अगर हम इसे छोटी बनाते तो काफी लोग इंगेज और होता, इंगेजिंग टाइम बढ़ जाता। बाकी लोकेशन अच्छी है, कॉस्ट्यूम अच्छी है, डिजाइन अच्छे, सेट्स के अच्छे से लोकेट किया गया है, साथ ही साथ जो सिचुएशन दिखाई गई है वो सर्कस से लेके आम आदमी की जब वो काम करता है, तो सारे पहलू अलग अलग तरीके से फिट बैठे। राम सिंह चार्ली आप देख सकते हैं सोनी लिव पर अवेलेबल है। थैंक फॉर वॉचिंग टाइम स्पेल, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ढेर सारी अपडेट्स के लिए। मैं सीरीज को अपनी तरफ से देती हूँ 5 में से 3 स्टार। थैंक यू।